अब मैं आईटी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो एक संक्षिप्त वीडियो प्रसारण करके इन संरचनाओं का आम जनता को और माननीयों के अवलोकनार्थ जो है प्रकट किए कराएं, प्रस्तुत करें।
श्रीमती बन्ना गुप्ता जी से कि वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामना देता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप इस व्यवस्थित तरीके से अस्पताल का आपने निर्माण किया है, व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, उसके बढ़िया तरीके से संचालन की भी व्यवस्था को आगे हम लोगों को सुचारू रूप से करते रहना होगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे उपायुक्त अबू इमरान जी को, उनकी पूरी टीम को, सीएस साहब को, कमिश्नर साहब को, कि बहुत बेहतर व्यवस्था। और जब आप के बारे में जनप्रतिनिधि यदि तारीफ करते हैं, और जिस तीनों ही माननीय सांसद महोदय ने भी, माननीय दोनों विधायक महोदय ने भी जब तारीफ किया, तो ये समझ में आता है कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार के आप एक बेहतर और सुंदर चेहरे के रूप में आप वहां काम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अपना विजन है कि हमको हर हाल में इस राज्य को समृद्ध राज्य, स्वस्थ राज्य, और हमको इस कोरोना के इस जंग में जिस तरीके से नए नए इनोवेशन के साथ, नई नई चीजों के साथ, और एक एक छोटी छोटी कमी खामियों पर विचार और चिंतन करते हुए इस वैश्विक संकट के दूसरे दौर से हम लोगों ने निकलने का प्रयास किया, तो ये एक बहुत बड़ी एक सोच है। और इसके लिए मैं हमारे प्रधान सचिव आदरणीय अरुण सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, जो एक बहुत व्यवस्थित टीम उन्होंने बनाई, और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोग लगातार रात दिन हम लोग प्रयास करते रहे। और आज जो है ये परमपिता परमेश्वर की एक असीम कृपा भी हम लोगों पर है कि हम लोगों ने जो चीजें अच्छी सोच के साथ, नेक सोच के साथ की, वो सारी चीजें सफल हो गई। बल्कि उन चीजों को जो देश के बड़े राज्य हैं, वो आज झारखंड जैसा हमारा ट्राइबल और गरीब राज्य से बहुत चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी जानता हूं, लतेहार जो है एक ऐसा जिला है जहां पर बहुत जंगल है, पेड़ पौधा और काफी बड़ा इसका जो है इलाका है, और बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, और वहां इस तरह से व्यवस्था करने से हम लोग निश्चित तौर पर, उसमें भी आपने एक मदर चाइल्ड केयर भी बनाया है, और ऐसे भी तीसरी चक्र का भी एक चर्चा है कि तीसरी चक्र के भी आशंकाएं हैं, हमारे सामने हैं। तो अब हम लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में बहुत बेहतर और मजबूत कदम उठा रहे हैं, और उठाने की आगे भी आवश्यकताएं हैं। और लगातार जिस तरीके से आपने जिन अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड को लगाया है, फिर जो आईसीयू के बेड बनाए हैं, और मदर और चाइल्ड के लिए जो बनाए हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर व्यवस्था लागू कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर निश्चित तौर पर राज्य सरकार का चेहरा हमारा जिले के उपायुक्त होते हैं, और जब आपकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से हम लोगों ने अभी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अभी बोकारो में भी कुछ अस्पताल के अभी हम जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हजारीबाग में भी किया, फिर पाकुड़ में, बहुत जगह कोडरमा में भी किया। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये दूसरे चक्र ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है कि हम जो है कैसे हमको इस चीजों से लड़ना है कोविड के विरुद्ध में। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोगों को ये जरूर प्रयास करना है कि जिस जिले में समस्या होगी, वहीं पर जो है हम वहीं उसी जिले में उसको ऐसी व्यवस्था देंगे जिस व्यवस्था से हमारा मरीज जो है स्वस्थ होगा। और मैं पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिल्कुल एकदम गार्जियन की भूमिका में वो सारी चीजों का निष्पादन करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों पर। क्योंकि मैंने वो दिन भी देखा जिस दिन COVID-19 का एक एक दिन में 8,000-7,000 केस आते थे, तो रात को कभी कभी रात को भी हम लोग जो है हम सीएम साहब बात करते थे कि कैसे करके फिर करना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि जब राज्य का मुखिया जो है इस व्यवस्था के लिए एकदम फ्री हैंड कर दिए हैं अधिकारियों को, और आप लोग भी इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित है इस चीज की उम्मीद है कि हमारे चिकित्सकों के चेहरे मुस्कुराएंगे और उनके ही मुस्कुराते हुए चेहरों से हम अपने मरीजों के भी चेहरे को खिलखिलाएंगे, और उसी का महकता और चहकता चेहरा जो है वो राज्य सरकार का प्रतीक बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन आशीर्वचन हम लोगों को उपलब्ध कराएं। सर, आज लातेहार जिला के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन कार्यान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सिंह जी, हमारे स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम जी रामचंद्र सिंह जी, जिला के उपायुक्त अबू इमरान साहब एवं उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य कर्मीगण, हमारे साथ विभाग के प्रधान सचिव एसीएस हमारे अरुण सिंह जी एवं सभी सम्मानित सदस्य का मैं आज इस स्वास्थ्य सेवा में एक और कड़ी जोड़ने के लिए उपस्थित हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम के सभी बिंदुओं पर सभी लोगों ने अपनी आंखों से चीजों को देखा है और महसूस भी किया है, और उसके कुछ अनुभव को भी आप लोगों ने अभी हमसे और सभी लोगों के साथ बांटा। हम सब जानते हैं लातेहार एक ऐसा जिला है जहां वहां का जो भौगोलिक संरचनाएं हैं बहुत ही कठिन है। 80% 90% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वहां वास करते हैं। और इस चुनौती भरा क्षेत्र में कोरोना जैसा चुनौती जब हमारे समक्ष आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आज इस वैश्विक महामारी में प्रथम दौर के बाद दूसरे दौर और दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर की चर्चाएं हो रही है। एक मुसीबत से हम उभर नहीं पाते, दूसरी मुसीबत में हम घिर जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये भी कह पाना आज के दिन में थोड़ी कठिन है, लेकिन आज जिस तरीके से लातेहार जिले ने
हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने, हमारे सामाजिक लोगों के सहयोग से, हमारे विधायक सांसदों के सहयोग से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज कार्य किया है, ये निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है। कुछ कुछ प्रखंडों का अगर हम नाम लें तो नाम लेने से ही लोगों के मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि उस प्रखंड की क्या हालात हो सकती है। और चूंकि हम लोग पूरे राज्य का, हर प्रखंड, हर जिला का हम लोगों ने अपनी आंखों से चीजों को देखा है, उन जगहों को देखा है, चाहे वो महुआडाड़ हो, बरवाड़ी हो, या बारीखाप हो, या और अन्य प्रखंड हो, और आपने कई बार इन सब जगहों पर आते जाते देखा भी है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, चाहे वो प्रशासनिक कारणों से हो, चाहे सरकार कार्यक्रम के माध्यम से हो। और हमने भी महसूस किया है, निश्चित रूप से ये एक हमारे राज्य के लिए बहुत कई विषयों में कई चुनौतियां खड़ी हैं, लेकिन आज मूल रूप से जो हमारे पास, हमारे सामने मुसीबत है वो है इस कोरोना वैश्विक महामारी का। और एक सीमित समय में, सीमित संसाधनों में, जिसको लेकर हमारे वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने काम किया है, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी अथक प्रयास से बारीखाप, महुआ डाड़ जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को एक मजबूती प्रदान की है। और आने वाले संभावित वैश्विक महामारी की भी आपने कमर कस ली है और उसकी भी तैयारी में आप लोग आगे बढ़े हैं। बहुत अभी हमें और काम करने हैं, हमको अभी यहाँ रुकना नहीं है, हमें अभी और भी आगे बढ़ने हैं, और भी आगे चलने हैं। हम अभी हमारे, मैं जिला उपायुक्त से कहना चाहूंगा कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, उसमें कई बातें आ रही हैं, उन सब बात को आप लोग बहुत गंभीरता से उसका एक डाटा तैयार करें कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या हमारी वास्तविक स्थिति है। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही संकोची लोग होते हैं, बहुत बातें बताते नहीं हैं, और जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी विश्वसनीयता स्वास्थ्य को लेके थोड़ी उदासीनता रहती है। इसको आप लोग बहुत, ये जो हम लोगों का ग्रामीण स्तर का जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधा को गांव-गांव तक हमें किस तरीके से जाना है, ये हमें एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। हम लोगों ने अपने स्तर पर जो भी मेहनत की है, जो आप लोगों ने दिखाया है, इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में, लातेहार जिले में कई खनन कार्य हो रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप उन खनन कार्यों को भी, के जो संबंधित कंपनियां हैं या एजेंसीज हैं, उनके साथ भी आप लोग एक अपनी मीटिंग करते हुए उस जिले के लिए उन खनन कंपनियों के द्वारा क्या हम सीएसआर के माध्यम से क्या हम और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वो आप लोग सुनिश्चित करने का भी काम करें। क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा एक बहुत बड़ा
कहा जा सकता है कि हम लोगों का जीवन यापन का आधार है। इसको एक हम स्वास्थ्य के और भी अन्य विषय पर इनको अपना एक सहयोगी और भागीदारी सुनिश्चित कराने का भी एक रूपरेखा तैयार करें। जो मुझे पता चला है मगध में टोरी में कुछ खनन कार्य चल रहे हैं, उन सब को भी आप लोग थोड़ा एक बार इसका एक रिव्यू करें ताकि आप लोगों को उनके माध्यम से भी एक सहयोग मिल सके। और ये अभी हम लोग कोरोना के आखिरी दौर में है कि शुरुआती दौर में है कि मध्य दौर में है, यह अभी कहना जल्दबाजी होगा। अभी चूंकि हम लोग लॉकडाउन में है, अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं जिसका हम लोगों ने कई बार उसको बढ़ाया है। अभी जो संक्रमण की स्थिति राज्य में है उसको ध्यान में रखकर हम लोग धीरे धीरे राज्य की जीवन को सामान्य करने का प्रयास पर हमारा विचार चल रहा है। और आप सब लोगों से आग्रह है कि ये आज के दिन में जब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील दी जाएगी या उसे कम किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर जिलों में लोगों का आवागमन, कई प्रतिष्ठानों का खुलना, कई रोजगार कार्यों में लोगों का जुटना का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ऐसे स्थिति में हमें और भी सजग रहने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है ताकि हम इस संक्रमण को बहुत ज्यादा स्प्रेड होने से फैलने से रोक सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और एक दूसरे के बीच में हमारे लोगों की दूरी कैसे बने रहे, कैसे जीवन ऐसी स्थिति में सामान्य चले, इसको भी हर चुकी हर जिले में हर प्रखंड में हर जगह अलग अलग तरीके की अपनी अपनी समस्याएं अपनी अपनी समाधान होते हैं। आप लोगों से आग्रह होगा कि आप अपने जिले पर क्या बेहतर आप लोग फॉर्मूला तय कर सकते हैं उस फॉर्मूला पर आप लोग निश्चित रूप से काम करें। तो विशेष नहीं कहते हुए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का आभार। आप लोगों ने आज स्वास्थ्य सेवा में एक और कदम आगे बढ़ाया है और हम लोगों का प्रयास है ये कदम अब रुकेगा नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग अब हमारी भी पूरे राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और इस पर हम लोग पूरे राज्य स्तर कार्यक्रम को भी एक मूल रूप देने की तैयारी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अपने अपने स्तरों पर जिलों में अपने काम में लगे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार, नमस्कार, आदाब।